आपका प्रोपोगंडा तो यहाँ तमाम पैनलिस्ट खोल रहे हैं शोएब जमई, लेकिन आपकी ये पुरानी आदत जाती नहीं है। अतिकुर रहमान, शोएब भाई, मुझे आप एक बात साहब, क्या मौलाना साहब साहब इतना मायने रखते हैं इस देश में इस वक्त? क्या मौलाना साहब साहब इस देश के करोड़ों गरीबों से भी ज्यादा मायने रखते हैं? क्या मौलाना साहब साहब इस देश में जो कोविड हजारों की जिंदगी को खतरे में डालने का मामला है से भी ज्यादा मायने रखते हैं? है शोएब जमई, बचाने की कोशिश क्या मौलाना साहब साहब इस देश की बचाने की कोशिश ज्यादा मायने रखते हैं? क्या बात करते हैं? हमारी लड़ाई बचाने की कोशिश मत कीजिए, जमातियों से नहीं होनी चाहिए, इस बात को समझिए आप। एक आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप, मुझे नहीं पता आपको क्या इंटरेस्ट है इतना मौलाना साहब में। कौन बचा रहा है? आप बचा रहे हैं, बचा रहा है? आप ये बता रहे हैं कि वो देश की प्रायोरिटी नहीं है? जिस शख्स ने इतने जमातियों की जिंदगी को खतरे में डाला, आप उनके परिवारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसी बात बोलकर? अतिकुर रहमान साहब, शोएब भाई, क्या बात कर रही हैं? शोएब भाई, वही जो आप सुन रहे हैं, वही जो आप सुन रहे हैं रिसर्चर साहब, अतिकुर रहमान साहब, क्या बात कर रही हैं? मुझे एक बात समझाइए आप, अतिकुर रहमान साहब बोलिए, पूरी दुनिया में कहीं नहीं, अतिकुर रहमान साहब बोलिए, उनकी आवाज ऊंची है, दूसरों को बोलने नहीं देते। अतिकुर रहमान बोलिए, आप जान आप जान लेकिन कोरोना जानबूझकर फैलाना अपराध है। आज ही कानून में परिवर्तन करके 3 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है ऐसे लोगों के लिए जो कोरोना वॉरियर्स पर हमला करते हैं, जो जानकारी छिपाता है, वो भी कानून अपराध है एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट में। कौन समझाए आपको शोएब जमई? इतने बड़े रिसर्चर है, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा तो आपको तुरंत ये जानकारी मिल जाएगी। अपराध है कोरोना की बीमारी को फैलाना, अपराध है लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन, सरकारी निर्देश का उल्लंघन अपराध है। 304 का मुकदमा दर्ज है। तो रहमान साहब आप बोलिए, उल्लंघन ही तो नहीं किया उन लोगों ने? भाई, गलती का सुधार करना जरूरी है और सुधार जब भी होगा आप एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए, लेकिन सरेंडर कर दीजिए। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, मौलाना साद साहब के सरेंडर करने से मुसलमानों का और हौसला बुलंद होगा। मुसलमान जो गली कूचे में जलील हो रहे हैं, उनको कम से कम एक आवाज मिलेगी बोलने के लिए कि हमने उनको सरेंडर करने पे पाबंद किया, और उनकी नैतिक जिम्मेदारी बन रही है। शोएब साहब, जो हुआ मुसलमानों के साथ में, आप जो किससे कहानी गिनवा रहे हैं, उसके लिए लड़ने में हम समर्थ हैं। ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी सरकार के साथ, बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ, लेकिन ये वक्त नहीं है। ये कोरोना से लड़ाई हमारी बड़ी लड़ाई है, और इससे लड़ने में आपका जो योगदान होगा, ये आपकी तबलीग होगी। शोएब भाई, ये सही वक्त है तबलीग करने का, और तबलीग का शुरू पहल करना है उनके सरेंडर से। शोएब जमई, मैं जवाब देता हूं। जी अंजना जी, अंजना जी, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि आपको याद होगा कुछ साल पहले जब जामिया के एलुमनाई का आपको पहला अवार्ड दिया गया था, तो मैं मंच के सामने मौजूद था और मेरा सीना फख्र से जो है गर्व से बढ़ गया कि आप हमारे एलुमनाई हैं। और आज मैं इसी बुनियाद पर कहता हूँ आप बिहार की बेटी हैं। आप शोएब जमई, साजिद रशीदी, आप लोगों को अगर इतना ही शौक है मेरे बारे में बोलने का, तो अपना अपना एक वीडियो पोस्ट बनाइए और अपने फेसबुक पे अपलोड कर दीजिए। मैं यहाँ पर मौलाना साहब पर बहस कर रही हूँ, ये बहस मेरे बारे में नहीं है। मैं उन पत्रकारों में शामिल नहीं हूँ, लेकिन सुनिए, मैं ही उलझी रहती हूँ। मौलाना साहब पर बहस करनी है तो रहिए, नहीं तो जाइए। इसी जामिया के स्टूडेंट्स को बहस करनी है तो रहिए, नहीं तो जाइए। जामिया के स्टूडेंट्स को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, इसी जामिया के स्टूडेंट्स को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, उन पे गलत तरीके से केस लगाए जा रहे हैं। क्या आपका आपका और हमारा फर्ज नहीं है कि हम उसका आवाज उठाएं? एक अलग मुद्दा है, हमारा फर्ज है। मौलाना साहब को खुद सामने आना चाहिए, कह रहे अतिकुर रहमान, सवाल का जवाब दीजिए। मेरा भी बहस को मत भटकाइए, हमारी अंजना कश्यप पर यहाँ बैठे बैठे वीडियो मत बनाइए और लेख मत लिखिए, हमारे सवाल का जवाब दीजिए कि हम जो है बिहार के मजदूरों की व्यवस्था पे आवाज उठाएं। हमारा फर्ज है कि हम बिहार के मजदूर जो गए, कितने लोग जो है अभी अभी आज उसकी मौत हो गई, जो बेगूसराय का जो वो महत्व है, साहब ये अलग मुद्दे हैं, इसकी लड़ाई करने के लिए हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। साहब साहब, देश आपका फर्ज क्या बनता है? आप अपना फर्ज अदा करिए, उससे बड़े हो गए आज मौलाना साहब, अपना फर्ज अदा करें। हमारी लड़ाई इन मुद्दों पर जारी रहेगी, उसको बखेड़ा मत बनाइए भाई। मौलाना साहब साहब तबलीग जमात के हेड है, ठीक है, उनसे जो लापरवाही हुई है, जो मानवीय भूल है, वो माफी तलाशी करके आगे बढ़ जाना चाहिए। अब तो देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है,